श्रद्धा वॉल्कर की हत्या से पूरा देश दहल रहा है। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने श्रद्धा केस में दिल कचोटने वाली बात कही है, जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर ही हो जाएंगे। दिल्ली में हुई श्रद्धा वॉल्कर की दर्दनाक हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। श्रद्धा की मौत के बाद हर एक इंसान यही सवाल कर रहा है कि आखिर इतनी निर्मम हत्या तो कोई किसी जानवर की भी नहीं दे सकता है, फिर कैसे उसके आशिक ने उसे इस कदर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के सामने आने के बाद बॉलीवुड सेलेब्स भी अपना रिएक्शन खुलकर दे रहे हैं। किसी के लिए भी इस बात पर चुप्पी साधे रहना सही नहीं है। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने श्रद्धा केस में दिल कचोटने वाली बात कह दी है, जिसे देखकर आप भी सोचने पर हो जाएंगे मजबूर। श्रद्धा वॉल्कर की चिट्ठी की फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि ये वो चिट्ठी है जो श्रद्धा ने 2020 में पुलिस की सहायता मांगते हुए लिखी थी। वो हमेशा उसे डराता था और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता था। उसने लिखा है कि वो उसे ब्लैकमेल करता है, लेकिन उसे न जाने कैसे उसका ब्रेन वॉश कर दिया और अपने साथ दिल्ली ले गया। उसने उसे दुनिया से अलग कर दिया और काल्पनिक दुनिया में ले गया। उन्होंने आगे लिखा कि हम सभी को पता है कि शादी का वादा करके ऐसा किया गया। वो कमजोर नहीं थी, वो एक लड़की थी जिसका जन्म इस दुनिया में जीने के लिए हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से उसके अंदर एक महिला का दिल था जो घाव भरने वाली होती है। महिला हमारी धरती ही तरह ऐसी कोख होती है जो किसी में भेदभाव नहीं करती। वो उन सभी को अपनाती है, भले ही वो उस लायक हो या फिर ना हो। कंगना ने आगे लिखा कि वो परी कथा में विश्वास करती थी। वो ये मानती थी कि दुनिया को उसका प्यार चाहिए। वो देवी थी, उसके पास खावों को भरने की शक्तियाँ थी। वो कमजोर नहीं थी, वो एक लड़की थी जो परियों की कहानी में जीती थी। वह परी कथा में अपनी हीरो के भीतर छिपे राक्षसों से लड़ने की कोशिश कर रही थी। हम सभी जानते हैं कि प्यार हमें अभिभूत कर देता है। वो राक्षसों को मारने के लिए बहुत आगे चली गई थी, लेकिन हीरो चाहता था कि राक्षस जीते और यही हुआ। कंगना एक ऐसी एक्ट्रेस है जो लगभग हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय सामने रखती है और अपनी आवाज भी उठाती है। कंगना का ये लंबा पोस्ट बताता है कि वो इस केस को लेकर काफी गुस्से में है और वो श्रद्धा की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश भी कर रही है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? कंगना रनौत के इस बयान पर आप कितने सहमति जताते हैं? आपको क्या लगता है कि कंगना रनौत ने श्रद्धा वॉल्कर के इस पोस्ट को शेयर करते हुए जो कुछ भी लिखा है, क्या वो सही लिखा है या फिर उन्होंने वो गलत लिखा है? इस बात में आप अपनी सहमति कितनी जताते हैं कि श्रद्धा, क्या वाकई में श्रद्धा का ब्रेन वॉश किया गया था? आप कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताएं कि कंगना रनौत क्या सही है या फिर गलत है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।